दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के इंटेंस दुख या अभाव को महसूस किया है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। एक पीरियड तक सस्टेन्ड इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस को ग्रीफ का नाम दिया गया है, और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। चलिए इसको बेहतर समझते हैं थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड मूवी तमाशा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बॉस, दो रास्ते हैं। या तो मजनू बन जाओ, कपड़े फाड़ कर चलाओ और रास्तों पर, या स्टे कूल। तो पता है क्या, स्टे कूल। या सो गुड। चलने वाला था नहीं, जो बाद में होना था अभी हो गया। सही हुआ। फर्स्ट स्टेज है डिनायल। इस स्टेज में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। जैसे यहां पर रणबीर कपूर खुद को फॉल्स मैसेज दे रहा है कि अच्छा है छोड़ के चली गई, ये चलने ही नहीं वाला था। ये क्लासिक डिनायल का स्टेट है। वेद, वही तो बात है। एवरेज हूँ, वो जैसा सब होते हैं, वो चलते रहते हैं ना फुटपाथ पे ब्रीफकेस लेकर, वैसे ही मीडियोकर। वेद, वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो तुम नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। हाँ, तू जानती है मैं कौन हूँ, और कोई नहीं जानता। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता, मगर तू 7 दिन कोर्सिका में तू पक्का जान गई कि मैं कौन हूँ। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज, एंगर। जब तक आपको समझ में आता है कि आपके साथ एक्चुअली में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, आपका रिएक्शन होता है एंगर का। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रणवीर कपूर दीपिका पादुकोण के घर जाते हैं और उनका एक एंगर का आउटबर्स्ट हो जाता है। यही ये सेकंड स्टेज है। हाय दारा, सॉरी तुम्हारे मिस कॉल्स देखे मैंने। कैसे हो? ठीक, बिल्कुल। तुम? मैं तुमसे मिल सकती हूँ? क्यों? मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें ऐसे फोन नहीं किया, मैं बस अपोलोजाइज करना चाहता था। नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ वेद। अरे तुम क्या सोच रही हो, मैं ठीक हूँ। थर्ड स्टेज है बार्गेन। बार्गेन बेसिकली व्हाट इफ सिनेरियोस बनाना है। अगर मैं ये कह देता तो शायद कुछ चीज़ें अलग होती, अगर मैं वो कर लेता तो शायद कुछ अलग होता, ऐसा ही कुछ। इस सीन में भी हम देख सकते हैं कि रणबीर कपूर अलग अलग बातें बोल रहा है दीपिका को। अरे मैंने वैसे ही कॉल किया, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने सॉरी बोलने को कॉल किया। ये सब व्हाट इफ सिनेरियोस ही हैं। पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, गड़बड़, गड़बड़ जी। बट सर ये जॉब बस यही है मेरे पास, और कुछ नहीं है। प्लीज सर, आई डोंट लूज माय जॉब। लिसन बॉय, योर बिहेवियर इज ऑलवेज A1। हाँ, फोर्थ स्टेज ऑफ ग्रीफ है डिप्रेशन। इस स्टेज में हमें हमारे साथ जो भी लॉस हुआ है उसकी एक्चुअल डेप्थ समझ में आती है। डिप्रेशन अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है, और ये खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पर इसके कॉमन साइंस लैक ऑफ एनर्जी या एक्सट्रीम एंगर, फटीग, लॉस ऑफ हंगर, ये सब हो सकते हैं। तू बता क्या होता है, बोल अपनी कहानी, क्या है तेरे दिल के अंदर, चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूं? फाइनल स्टेज है एक्सेप्टेंस। इस स्टेज में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी होना था वो हो गया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उस सिचुएशन से आगे बढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इस मूवी में भी जब रणबीर कपूर स्टोरी टेलर से मिलता है तो स्टोरी टेलर उसको बोलता है कि ये तेरी कहानी है, तू मुझसे क्यों सॉल्यूशन मांग रहा है? और इसके बाद रणबीर कपूर को रियलाइज होता है कि हाँ, ये तो मेरी ही कहानी है, इसको मैं जैसे चाहूँ मोड़ सकता हूँ। हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये फाइनल स्टेज एक्सेप्टेंस की आती ही है। बस हमें लगे रहना है और हार नहीं माननी और सिचुएशन को फेस करना है। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस फेस किया है तो अपना एक्सपीरियंस
नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय ऑल।